बेबी आ जा यार ब्लॉग में, आज आज सबको दिखाई देते यार तेरा चेहरा। फाइनली आज आप लोग को मिलवाई देते हमारी गर्लफ्रेंड से। सो हमारी गर्लफ्रेंड ये रही। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी को बढ़िया होंगे। सो दो दिन से लगातार नॉन स्टॉप वाली बारिश हो रही है, मतलब एक मिनट के लिए भी बारिश रुकी नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को मेरा राइड का जितना भी प्लान्स था सारा कुछ कैंसिल करना पड़ा। एंड अभी आशंका ऐसी है कि और एक दो दिन बारिश होगी तो हम व्लॉग्स व्लॉग्स डालेंगे नहीं तो मज़ा आएगा नहीं, तो इसलिए हमने सोचा एक छोटा सा क्यों नहीं वीडियो शूट कर लिया जाए। तो इसके लिए हमने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला कि अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हो तो हमसे पूछ सकते हो। अभी मेरे पास 20-25 क्वेश्चंस आ चुका है तो स्टार्ट करते। अबे लाइट आ गया, लाइट लाइट आ गया भाई, दो दिन से लाइट नहीं था, फ़ोन चार्ज में लगा के आते हम भैया। 20 मिनट के लिए लाइट आया एंड 20 मिनट के बाद फिर से लाइट चला गया एंड अब कब आएगा वो भी पता नहीं, बट 20 मिनट में हमारा फ़ोन 25% चार्ज हो चुका है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द Q&A वीडियो। तो आज का लेते हैं पहला सवाल, किसने पूछा है? तो आज का पहला सवाल पूछा है हमारी एक सीनियर है आसी, उन्होंने 3 good and 3 bad points अबाउट आवर कॉलेज। भाई गुड थिंग्स है कुछ हमारे कॉलेज के बारे, बट हाँ एक गुड पॉइंट है हमारे कॉलेज में, हमारे कॉलेज का डोसा भाई साहब, मतलब खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। 35 रुपये में मिलता है, मज़ा आ जाता है। बस एक यही एक बढ़िया चीज़ है हमारे कॉलेज में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं बिकॉज हमारे प्रोफेसर लोग भी व्लॉग व्लॉग देखते हैं एंड एक दो बार हाईलाइट हम हो चुके हैं। एंड अगर बात करूँ मैं 3 bad points अबाउट आवर कॉलेज, तो देखो भाई कॉलेज क्यों होता है? कॉलेज होता है पढ़ाई के लिए। एंड अगर जिस कॉलेज में पढ़ाई ही अच्छा नहीं होगा ना तो वो कॉलेज अच्छा हो नहीं सकता। एंड लॉकडाउन के सिचुएशन में वी ऑल नो कि हमारा पढ़ाई कैसे हुआ है। व्हाट्सएप पे नोट्स भेज भेज के मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी वॉइस नोट्स, ऐसा नहीं कि वीडियो भेजा जाता है, देख रहे हो, देख रहे हो, ऐसा ये वॉइस नोट्स भेजा जाता है हमें। ये सिर्फ कॉलेज का ग्रुप है जहाँ पे सिर्फ टीचर ही भेज सकते हैं, एंड स्टूडेंट को अगर कुछ पूछना है तो वो उनको पर्सनली DM करो। तो भाई 9-10 मिनट का वॉइस नोट्स होता है, अगर आप स्टूडेंट होते तो क्या आप वो सुनते 10 मिनट तक टीचर का लेक्चर, वो भी एक सिर्फ ऑडियो नोट में? एक सप्ताह पहले हम लोग का गूगल मीट में क्लास चालू हुआ था तो हमने बोला यार चलो सही यार अब से मे बी रेगुलर क्लासेस चालू होगा, लेकिन वो दो दिन की चांदनी थी फिर अंधेरी रात। जब गूगल मीट भी हुआ था ना उस समय टीचर का कैमरा भी ऑफ था एंड स्टूडेंट का कैमरा एंड माइक सब कुछ ऑफ था, तो इट वॉज़ लाइक ऐसा था कि आप TV देख रहे हो बट TV में वीडियो नहीं आ रहा है एंड सिर्फ आप ऑडियो सुन रहे हो, तो उसमें भी कुछ मज़ा आता नहीं। बट चलो ठीक था, एटलीस्ट वो लाइव था, जिसको कुछ पूछना रहता था वहाँ पे लाइव पूछ सकता था, बट वो भी दो दिन हुआ एंड उसके बाद से बंद। तो हाँ भाई यही है जवाब, 3 good things and 3 bad things अबाउट माई कॉलेज। तो अगला क्वेश्चन है आपका करियर प्लान क्या है? देखो भाई आई एम टेकिंग YouTube वेरी सीरियसली एंड अगर YouTube मेरा करियर बन जाता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। बट इनकेस अगर YouTube मेरा करियर नहीं बनता है तो मैंने सोचा नहीं कि क्या करूँगा मैं ऐसा ही हूँ यार, अपन ऐसा सोच के कोई काम नहीं करते, अपन फ्लो में काम करते जाते हैं एंड वो होते जाता है मेरे साथ, ठीक है? तो ऐसा पहले से ज़्यादा सोचो एंड उस चीज़ के पीछे भागो, वैसा हम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अभी तक YouTube से आपने कितना अर्न किया है? तो देखो भाई YouTube से मेरा बस अभी तक एक पेमेंट आया है एंड 2 महीना पहले मेरा दूसरा पेमेंट आ जाता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम 2 महीने तक तो व्लॉग बनाए नहीं थे, मतलब इनरेगुलर थे, जिसके वजह से पेमेंट अभी नेक्स्ट मंथ आने वाला है। एंड हमने एक वीडियो बनाया भी है, वो वीडियो जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हमारा फर्स्ट पेमेंट कितना आया था एंड उसके बाद से अभी सेकेंड पेमेंट आने वाला है। पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बाय द वे लव योर व्लॉग्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम धनबाद। थैंक यू आशीष भाई। तो पैंडमिक में ऑनलाइन क्लासेस अगर हम ना ही बोले तो ही अच्छा होगा, बिकॉज ऑनलाइन क्लास हमारा हुआ ही नहीं है, व्हाट्सएप पे सिर्फ वॉइस नोट्स हमें भेजा गया है एंड आई डोंट थिंक सो कि व्हाट्सएप का वॉइस नोट्स ऑनलाइन क्लास के कैटेगरी में आता है, तो हमारा तो कह लो कि ऑनलाइन क्लास हुआ ही नहीं है पूरे पैंडमिक में। अगला क्वेश्चन है आपकी हाइट कितनी है? तो हमारी हाइट है 5'8" एंड अगला क्वेश्चन है यूट्यूब के अलावा व्हाट एल्स यू डू? देखो फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बट बिफोर 2019 आई यूज़ टू वर्क, छोटा सा बिजनेस भी था तो बिजनेस में काम करते थे, फिर पार्ट टाइम वर्क भी करते थे, जिसके बारे हमने यूट्यूब में ज़्यादा खुल के बातें की नहीं है, वो हम बात करेंगे कभी और किसी और वीडियो में, जहाँ पे मैं खुल के बताऊँगा कि मैं क्या करता था एंड कैसे मैं पैसे अर्न करता था पहले। बट अभी एक ओवरऑल बता देता हूँ, तो 2017 से लेकर के 2019 तक हम काम वाम करते थे एंड हमें जितना पैसा वैसा कमाना वाना था वो हम कमा चुके थे, बट उस टाइम पे हमने पढ़ाई को अपना डिसकंटिन्यू कर दिया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो
पैसा वैसा कमाने का बात था, तो पैसा वैसा हमने कमा लिया एंड उसके बाद हमने बोला कि पढ़ाई वढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो 2019 से हम अपना पढ़ाई कंटिन्यू करने लग गए एंड हमने सोचा कि यार चलो इन्जॉय करेंगे लाइफ थोड़ा सा, बिकॉज जब एक्चुअल वक्त था इन्जॉय करने का लाइफ का, उस समय हम इन्जॉय नहीं करके वो काम वाम कर रहे थे। फिर वापस 2020 में लॉकडाउन, फिर 2021 लॉकडाउन, अभी और पता नहीं कितने साल ये कोरोना ये लॉकडाउन का केस चलेगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा है रांची टागस्टे, हाउ टुगेदर वी कैन अपलिफ्ट द कंटेंट क्रिएटेड इन रांची। देखो भाई, रांची का एक सबसे अच्छा बात ये है ना कि यहाँ पर जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, सब एक दूसरे को जानते हैं एंड मैं जिस क्रिएटर को देखता हूँ ना फ्रॉम रांची, सब कोई अपना 110% दे रहे हैं। बस जरूरत यहाँ पे ये है ना कि जो कम्युनिटी है ना हमारा, ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा ही कम्युनिटी है, उसको एक साथ आने का जरूरत है। अगला क्वेश्चन है स्टीफन कच्छप का, आप यूट्यूब पे ही डिपेंड रहना चाहते हैं या कुछ जॉब भी करना चाहते हैं। तो देखो भाई, अभी मेरा जॉब करने का कोई प्लान नहीं है टिल 2022। मैं ज़्यादा फोकस यूट्यूब पे ही करूँगा बिकॉज दिस इज़ वॉट आई लव। एंड देखो, जिस काम से आपको प्यार होता है ना, अगर उस काम को आप प्रोफेशन बना लेते हो ना, तो उससे ज़्यादा बेटर चीज़ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अपना चैनल अगर उस लेवल तक, मतलब एक इतना लेवल तक चल जाए कि मेरे को मंथली अच्छा खासा पैसा आने लगे, तो मैं इस पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा। बट हाँ, अगर ये नहीं चला तो मेरे पास बैकअप प्लान भी है, बट 2022 तक कुछ और नहीं करना है इसके अलावा। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल पूछा है रोहित भाई ने, भैया जी भाभी जी को व्लॉग में कब लाएंगे, जनता जवाब मांगती है। बेब्स आ जा यार, आज दिखाई देते हैं सबको, को आ जा बेब्स, आ जा, हाँ बैठ जा यहीं पे बैठ जा, सही है, दरवाजा बंद कर ले। तो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन लोगों को इंतजार था ये जानने के लिए कि हमारी गर्लफ्रेंड कौन है, तो आज आपका इंतजार हम खत्म कर देते हैं, इस रात से हम पर्दा भी उठा देते हैं एंड हम मिलवाते हैं आपको अपनी बेगम से। सो ये रही, सो हाय बोल दो यार, हाय बोल रही है, आप लोग भी हाय बोल दो। सो ये एक्चुअली मैं ना जॉन सीना की बहुत बड़ी वाली फैन है, इसलिए यू कैन सी हर। बहुत गंदा जोक मारे यार, अबे यार ऐसा ऐसा सवाल मत पूछा करो यार, दिल से बुरा लगता है भाई, सिंगल है, हम चिल्ला चिल्ला के बोल चुके हैं सिंगल है। अगर कोई हॉट एंड सेक्सी लड़की ये व्लॉग देख रही है, तो प्लीज़ आप अपना रिश्ता के लिए हमें DM कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा DM आता है तो फिर हम भाभी जी से, मतलब आप लोगों की भाभी जी से आप लोगों को मिलवा देंगे। तो 2 दिनों के बाद फाइनली अभी जाके बारिश रुका है एंड आई होप कि ऐसी बारिश रुके रहे एंड आगे और बारिश होना, बिकॉज रांची का मैंने 1-2 वीडियोस देखा यार, अपार्टमेंट में पानी वानी भर गया, किसी के घर में पानी घुस गया, इनफैक्ट कार वार आधा डूबा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ वाड़ आ गया। तो बहुत ख़राब सिचुएशन है अभी रांची का, तो और ज़्यादा बारिश होना नहीं चाहिए। एंड एक टाइम था यार जब हमें भी बारिश अच्छी लगती थी, जब हम स्कूल में थे उस टाइम, बिकॉज सुबह सुबह भींगते हम स्कूल जाते थे, फिर छुट्टी होता था तो भींगते हम वापस आते थे एंड रास्ता में जिस तरफ पानी ज़्यादा जमा हुआ है उस तरफ से हम अपना साइकिल को लेके जाते थे। तो वो एक वक्त था, बट अभी एक अलग वक्त है, तो अभी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है मेरे को बारिश, बिकॉज बारिश होता है ना तो यार कोई भी काम आप कर नहीं सकते, सब जगह किच किच हो जाता है, बहुत ख़राब लगता है यार। तो कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये वीडियो कैसा लगा एंड एक बहुत बड़ा वाला बैड न्यूज़ है, उसको अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे, पहले सोचे थे हम यही बता दें बट इसको हमने सिर्फ Q&A रख दिया, तो अगले वाले वीडियो में एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली ख्याल रखो एंड ब्लॉग्स देखते रहो, बाय बाय। तो अभी बहुत भयंकर वाला मेरा पोपट हो गया, एक्चुअली हुआ क्या, जो आज का व्लॉग था उसको हमने 2 अलग अलग मेमोरी कार्ड में शूट किया था, क्योंकि जो पहला मेमोरी कार्ड में हम शूट कर रहे थे वो आधे में फुल हो गया था, तो उस पर हमने दूसरा मेमोरी कार्ड डाला एंड उसके बाद हमने शूट किया। लेकिन दिक्कत ये हो गया ना कि पहला मेमोरी कार्ड से हमने डाटा ट्रांसफ़र किया अपने मोबाइल में, उसके बाद वो मेमोरी कार्ड को मेरे को फॉर्मेट मारना था, लेकिन हमने उसको फॉर्मेट नहीं मारा एंड उसको हमने निकाल दिया। एंड उसके बाद हमने दूसरा मेमोरी कार्ड लिया, उसके बाद उस मेमोरी कार्ड को हमने मोबाइल में डाला एंड वहाँ पर मेरे को डाटा ट्रांसफ़र करना था, बट मैंने उसको फॉर्मेट मार दिया। एंड एक ऐसा वक्त आता है ना कि आप उसको मार रहे हो एंड आपको रियलाइज़ होता है यार मेरे को फॉर्मेट नहीं मारना है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता है एंड आप तब तक कर चुके होते हो, तो अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो सॉरी रहेगा यार जिन लोगों का क्वेश्चन नहीं ले पाए हम, एक्चुअली हम लिए सबको का था, बट दिन ख़राब चल रहा है मेरा।